हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों, बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस को एक ऐसा ऑफर मिला जिसे सुनकर आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। बता दें कि इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को कहा गया कि मैं तुम्हें हर महीने 25 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी सैलरीड वाइफ बन जाओ। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ ऐसा नीच प्रस्ताव कौन रख सकता है। बता दें कि अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के साथ गरम मसाला फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस नीतू चंद्रा पाई पाई के लिए मोहताज हो गई है। उनके पास अब पैसे तक नहीं बचे हैं, वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी मोहताज हो गई है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नीतू चंद्रा ने अपने दर्द को बयां किया और फूट फूट कर रोने लगी। बता दें कि नीतू चंद्रा ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। नीतू की लाइफ अब सड़क पर आ गई है। एक इंटरव्यू में नीतू ने अपना सारा दर्द बयां किया है। नीतू ने अपनी फिल्मी करियर के बारे में बताया कि मेरी एक सफल अभिनेत्री की असफलता की कहानी है, क्योंकि मैंने 13 नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। इतनी बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद भी मुझे पहचान नहीं मिल पाई। जब नीतू से पूछा गया कि आखिर उनकी फिल्में और उनका करियर क्यों फ्लॉप हुआ, क्या उनकी चॉइस गलत थी, क्या उन्होंने अपनी फिल्मों की चॉइस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर नीतू ने कहा कि आप ही बोलें क्या करना चाहिए। क्या मुझे खुद को मौत के घाट उतार देना चाहिए? क्या लोगों के जाने के बाद ही उनके काम को पहचाना जाता है? नीतू ने कहा कि मेरे पास अब सुशांत सिंह की तरह सुसाइड करने का ख्याल आ रहा है। नीतू ने यह भी कहा कि जो लोग उनकी इन बातों को सुन रहे हैं वो कहेंगे कि नीतू हमदर्दी लेने आई है, अगर यही करना होता तो मैं सालों पहले सामने आ जाती। नीतू ने कहा कि एक बड़े बिजनेसमैन ने कई बार उन्हें खरीदने की कोशिश की। उसने कहा कि वो उन्हें 25 लाख रुपए हर महीने देगा, मैं उसकी सैलरीड वाइफ बन जाऊं। नीतू ने कहा कि मेरे पास आज के दौर में पैसे नहीं है और हर छोटी चीज को छपवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं काफी घबरा चुकी हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अपनी बातें कहते कहते नीतू चंद्रा रोने लग गई। नीतू ने कहा कि मेरे पास ना तो काम है और ना ही पैसा। दोस्तों, इस बात पर यकीन करना कितना मुश्किल हो जाता है जब एक एक्ट्रेस इतने दुख से गुजर रही है, और वो भी वो एक्ट्रेस जिसने बड़े बड़े एक्टर्स और हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।